हेलो स्टूडेंट्स सो टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर सिक्स लाइट साउंड एंड फोर्स व्हाट इट इज रिटन बिट लाइट साउंड एंड फोर्स दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर इस चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों जो आपको पता नहीं है या जो आपने देखा नहीं है तो ये चैप्टर जो है वो आप लोगों के लिए बहुत 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 इंटरेस्टिंग होने वाला है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं and you all know that every chapter of yours either it is of assist or science they all started with a very good exercise so this chapter is also having exercise and listen students do watch all the previous videos of your book okay so fill in the blanks fill uh, the blank, fill in the blanks and color the pictures okay वेन वी स्विच ऑन दिस बल्ब वी गेट वट वी गेट जब भी हम किसी बल्ब के लिए ट्यूबलाइट के लिए स्विच ऑन करते हैं तो हमको क्या मिल जाती है बेटा क्या मिलती है लाइट येस यू ऑल आर वेरी राइट येस वी कैन प्ले दिस ड्रम वी हीयर अगर हम इस ड्रम को बजाएँगे एक स्पून को बजाएँगे किसी थाली के ऊपर किसी प्लेट के ऊपर तो आपको क्या आएगी साउंड आएगा आप है ना आवाज आएगी आएगी ना बच्चों यस तो यहां पर हमको क्या सुनाई देगा बेटा साउंड ओके यस सो फर्स्ट टॉपिक इज लाइट ओके सो द मेजर सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ इज सन अगर हम अर्थ के ऊपर मेजर सोर्स की बात करें तो वो कौन करता है सन यस yes? and at our home we are also having lamp candle torch various other means are also available for lighting yes so light what is right अगर मैं आपको book दे दूँ और फिर आपसे बोलूँ कि dark room में जाओ जहाँ बिल्कुल अंधेरा और इस book को पढ़ो क्या आप लोग पढ़ पाओगे हम hmm? can you read बताए comment section में can you read नो बेटा यू आर नॉट एबल टू रीड बिकॉज़ फॉर रीडिंग यू रिक्वायर्ड वट लाइट लाइट हेल्पर्स टू सी यू ऑब्जेक्ट राउंड अस लाइट होती है तो हम हमारे आस पास के सारे ऑब्जेक्ट दे देते हैं देख पाएंगे अगर रात में आपके यहाँ पर लाइट ना जलाई जाए और आपको बोला जाए कि घर में आपकी फेवरेट टॉय को ढूंढ के बताओ या फेवरेट ड्रेस को ढूंढ के बताओ अलमीरा में से तो क्या आप बता पाएँगे नो no, बिल्कुल नहीं Because we required light to see everything. And on earth, which is uh, providing uh, light on earth, free light provide, karara to vokan is sun. That is why it is known as major source of light on earth. Okay. Uh, yes. We also get light from candles, electric bulb. टॉर्च लैम्प इन सबसे भी हमको लाइट मिल जाती है दीज लाइट गिविंग ऑब्जेक्ट आर कॉल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बेटा क्या लिखा है ये डू रिमेंबर ल्यूमिनस वॉट इट इज रिटर्न ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वॉट इट इज रिटर्न ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट चमकती हुई चीजें तो चमकती हुई चीजें ल्यूमिनस लाइट देने वाली चीजें चमकती तो नहीं लाइट देने वाली चीजें चमकना रॉन्ग होगा जो हमको लाइट दे दे रोशनी दे दे वो चीज़ों को हम क्या बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब टॉर्च लैम्प दीज ऑल आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ओके पर क्या स्टूडेंट सारे ऑब्जेक्ट आपको लाइट दे देते हैं सब में शाइन होती चमक सब जाएंगे कुछ चमक जाएंगे कुछ ना चमकेंगे पर सारी चमकने वाली चीज़ों को हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट है जो हमको क्या देते हैं बेटा लाइट ओके सारे ऑब्जेक्ट क्या हमको लाइट देते हैं क्या आपका टैडी क्या आपकी चेयर क्या आपका टेबल आपको लाइट प्रोवाइड करते हैं नहीं करते दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इनको हम क्या बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ल्यूमिनस विच इज़ गिविंग एस लाइट नॉन ल्यूमिनस विच डू नॉट गिव लाइट ओके आई होप दिस मच इज़ क्लियर और अगर क्लियर नहीं होता है तो डू राइट एंड कॉमेंट सेक्शन ओके स्टूडेंट्स Yes. so our next topic is shadow क्या है बेटा shadow परछाई है ना shadow परछाई जो हमारे साथ 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 चलती है जो सुबह को बहुत बड़ी होती है दिन में छोटी हो जाती है आफ्टरनून में बिल्कुल छोटी हो जाती है और इवनिंग में फिर बहुत बड़ी हो जाती है तो क्या होती है ये शेडो कैसे बनती है परछाई तो लाइट क्या होती है बेटा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती कभी भी आप देखोगे तो लाइट ऐसे ट्रेवल नहीं करेगी लाइट कैसे ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में जो सूर्य की किरणें हम तक पहुंचती हैं वो कैसे पहुंचती हैं सीधी स्ट्रेट लाइन में और ये स्ट्रेट लाइंस को हम क्या बोलते हैं रेज़ किरणें ठीक है अगर ये रेज ये जो रेज़ हैं ये जब सन से निकल के अर्थ तक पहुँच रही हैं अगर इनके रास्ते में कोई आ जाए और इस लाइट को ब्लॉक कर दे इस लाइट को ब्लॉक कर दे, तब बनती है क्या शेडो ओके देखो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन और इस स्ट्रेट लाइन लाइट को हम क्या बोलते हैं है। रेस व्हेन समथिंग कम्स इन द वे ऑफ लाइट अगर कुछ लाइट के रास्ते में आ जाए अगर कोई लाइट के रास्ते में आ जाए और उस लाइट को काई की कोशिश करे ब्लॉक करने की तो वहाँ पर क्या बन जाती है बेटा शेडो ठीक है अगर आपको भी, आपकी भी परछाई अगर आपको दिखती है तो क्यों दिखती है क्योंकि आप कहीं ना कहीं लाइट को ट्रेवल होने से रोक रहे थे और जहाँ आपने रोका वहाँ क्या बन गई आपकी परछाई ठीक है सो स्टूडेंट्स हियर वन एक्सपेरिमेंट इज गिवन आप ये एक्सपेरिमेंट सारे बच्चे करके देखेंगे है ना कल मॉर्निंग में देखो अगर आप सन को ऑब्जॉर्व करें और सन के साथ अपनी शेडो का रिलेशन बनाने की कोशिश करें देखिए कि किस टाइम में सन की लाइट कितनी मिलती है और हमारी शेडो कैसे बनती है तो आपको पता चलेगा कि डिफरेंट टाइम ऑफ द डे में हमारी शेडो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है मॉर्निंग में कैसी होगी बहुत बड़ी आफ्टरनून में छोटी हो जाएगी इवनिंग में फिर से बड़ी हो जाएगी शॉर्टेस्ट कब रहती है आफ्टरनून में जब सन ओवर होता है सन क्या होता है हमारे ओवर सर के ऊपर ठीक है चलो यू नो दैट अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन हम सबको पता है कि जो हमारी प्यार इसी अर्थ है वो क्या करती है रिवोल्यूशन करती है सपोज कर ये सन है तो सन के आसपास एक फिक्सड ऑर्बिट पे घूमने का काम किसका है हमारी अर्थ का है कभी वो यहाँ होती है कभी यहाँ होती है और कभी यहाँ पर होती है है ना द सन स्लाइट फॉल ऑन अर्थ तो सन की लाइट किसके ऊपर पड़ती है देखो हमने पहले भी बोला कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम में मेजर सोर्स ऑफ लाइट कौन है सन सारे प्लेनेट को लाइट देने का काम करन, कौन करता है सन तो अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमारी अर्थ यहाँ पर है तो हमारी अर्थ को अल्टीमेटली लाइट कौन दे रहा है सन दे रहा है किसको लाइट दे रहा है अर्थ को दे रहा है अगर कोई चीज़ इस लाइट को हमारे पास आने से रोक दे सपोज करो एक मिनट फिर से बनाती हूँ देखो है ना ये रहा हमारा प्यारा सत्संग प्यारा नहीं है बहुत गर्म है फिर ये ये आ गए थर्ड राउंड में अर्थ थर्ड राउंड में कौन आता है बेटा अर्थ अब हम सबको पता है कि अर्थ यहाँ से स्टार्ट करती हुए एक कंप्लीट रिवोल्यूशन लेगी ठीक है अब जो मून है वो मून अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है ठीक है तो अगर मून यहाँ है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मून यहाँ है तो भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पर मून इस पोजीशन में आ जाए कि सन की लाइट को अर्थ तक ना पहुंचने दे सन की लाइट को अर्थ तक ना पहुंचने दे पूरी लाइट को अपने पास ही रख ले तो इस टाइम में क्या हो जाएगा बेटा अर्थ क्योंकि हम लोग अर्थ पर रहते हैं तो हम देखेंगे अरे सन कहाँ गया सन तो हमको दिख ही नहीं रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा हिंदी में सूर्य ग्रहण और इंग्लिश में सोलर एक्लिप्स समझ में आई यहाँ पर आप हैं सब जो सपोज करो ये आप हैं आपने देखा अरे सन तो दिख ही नहीं रहा है सन की लाइट तो आ ही नहीं रही क्योंकि सन को ब्लॉक किसने कर लिया है मून ने ब्लॉक कर लिया है तो आप सोचेंगे अरे ये क्या हुआ तो आपने इसको क्या बोल दिया सोलर एक्लिप्स क्लियर हुई बात चलिए तो सन की का रिवोल्यूशन कौन कर रही है अर्थ ठीक है और अर्थ का रिवोल्यूशन कौन कर रहा है मून तो ये जो मून है ये जब भी क्या होगा अर्थ और सन के बीच में आ जाएगा और सन की लाइट को ब्लॉक करेगा तो क्या हो जाएगा सोलर एक्लिप्स अगर आप लोगों को स्टूडेंट समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ठीक है ये yes, स्टूडेंट्स ये जब डायग्राम आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये रहा हमारा सन ठीक है और ये रही है हमारी अर्थ अब देखो सन की सारी लाइट कहाँ आ रही थी अर्थ के ऊपर आ रही थी पर अब इस कंडीशन में क्या हुआ ये जो हमारा छोटू सा मून है जो चंदा मामा है हमारे ये बीच में आ गए अब ये जो हमारी प्यारी सी धरती है अर्थ है उसको ला सन लाइट नहीं मिल पा रही है तो हमने क्या बोला सोलर एक्लिप्स हमने सोलर एक्लिप्स क्यों बोला क्योंकि यहां पर जो आप खड़े हैं आपकी मैम खड़ी है मैं खड़ी हूं तो हमको तो सन दिखेगा ही नहीं ना क्यों नहीं दिखेगा क्योंकि मून ने उसकी लाइट को ब्लॉक कर लिया है तो हम क्या बोलेंगे कि सोलर एक्लिप्स हो गया है सूर्य का ग्रहण हो गया है ठीक है सूर्य ग्रहण हो गया है अब हम बात करते हैं लूनर एक्लिप्स की कई बार क्या होता है जो सन है सन ही मून को भी लाइट देता है मून की अपनी लाइट नहीं होती और सन ही अर्थ को भी लाइट देता है मून इज़ नॉट हैविंग हिज ओन लाइट मून की अपनी लाइट नहीं है बेटा वो किससे ये लाइट लेता है आ, सन से तो अब ऐसे हो जाए कि जब मून रिवॉल्व करता हुआ मून अर्थ का रिवोल्यूशन करता है है ना तो मून रिवोल्यूशन करते हुए कहाँ पहुँच गया है बेटा अर्थ के पीछे अब जो उसको सनलाइट मिलनी थी वो मिल ही नहीं पा रही है क्यों नहीं मिल पा रही क्योंकि बीच में क्या आ गया है बड़ी सी मोटी सी अर्थ आ गई है तो जो छुटको सा मून है इसको लाइट ही नहीं मिल रही है तो इस सिचुएशन में क्योंकि मून को लाइट नहीं मिलेगी तो वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो हमको चंदा मामा दिखेंगे ही नहीं अब जब चंद चांद हमको नहीं दिखेगा तो हम क्या बोलेंगे कि चंद्र ग्रहण हो गया किसी ने चंद्र को ग्रहण कर लिया है और इंग्लिश में हम उसको बोलेंगे लूनर एक्लिप्स ठीक है चलिए तो वॉट इट इज रिटन बेटा द शेडो ऑफ द मून फॉल ऑन द अर्थ एंड सन कैन नॉट बी सीन जो मून की शेडो है वो अर्थ के ऊपर आ जाएगी और इस तरीके से हम सन को देख नहीं पाएंगे जब हम सन को नहीं देख पाएंगे या पार्शली सन हिडन हो जाएगा मैं ये नहीं बोलूँ कि पूरा ही सन गायब हो जाएगा हो सकता है कुछ पार्ट दिख रहा हो, हो सकता है कुछ पार्ट नहीं दिख रहा हो आधा दिख रहा हो आधा नहीं दिख रहा हो और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा सोलर एक्लिप्स ये वाला पार्ट हमने छोड़ दिया है ना थोड़ा सा यस अगेन द सन लाइट फॉल ऑन अर्थ द मून रिवॉल्व अराउंड अर्थ मून चारो चारो चक्कर लगाता रहता है तो जो मून है वो अपनी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है है ना मून भी किसकी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है अपनी तो उसकी खुद लाइट होती ही नहीं है सन से लाइट लेके उसको ही रिफ्लेक्ट कर देता है तो जब सोलर एक्लिप्स होता है तब क्या होता है मून जो होता है वो ब्लॉक कर लेता है सन की लाइट को अर्थ तक पहुँचने ही नहीं देता अब अर्थ तक जब लाइट ही नहीं आएगी तो हम क्या बोलेंगे कि सोलर एक्लिप्स हो गया है और वहीं अपोजिट होता है लूनर एक्लिप्स में लूनर एक्लिप्स में क्या होता है सन और मून के बीच में आ जाती है बड़ी सी अर्थ सन की जो लाइट है वो मून तक जा ही नहीं पाएगी तो हम इसको बोलेंगे चंद्र ग्रहण ठीक है द लूनर एक्लिप्स अफ व्हेन वेन द अर्थ ब्लॉक्स लाइट ऑफ द सन जब अर्थ ब्लॉक कर ले किसकी लाइट को सन की लाइट को और जो अर्थ की जो शेडो है वो किसके ऊपर बनेगी मून के ऊपर बनेगी और इसलिए हम मून को ना 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 नहीं देख पाएंगे ठीक है सो so स्टूडेंट्स अगर मैं आपको कॉइन दे दूँ कॉइन पैसा जिससे हम चॉकलेट परचेज करते हैं चिप्स लेते हैं अगर मैं आपको तीन चार कॉइन दे दूँ थ्री फोर कॉइन अगर मैं आपको दे दूँ तो आप उससे आवाज़ निकाल सकते हैं आवाज़ आएगी ना कॉइन की टकराने की अच्छा फिर आपने बर्ड की आवाज़ भी सुनी होगी चिपिंग ऑफ बर्ड भी आपने सुना होगा आपने सुना होगा कि आपकी मम्मी डैडी का मोबाइल भी जब फ़ोन आता है तो रिंग करता है।, है ना हाँ मैं जो आप बोल रही हूँ वो आप सुन पा रहे हैं वो क्यों सुन पा रहे हो क्योंकि मैंने पहले रिकॉर्ड किया है फिर उसको सुन पा रहे हैं आप तो ये सब क्या है बेटा ये सब साउंड है ना क्या है साउंड है क्लियर हुई बात चिड़िया का बोलना फ़ोन का रिंग करना मेरी आवाज़ का आपको सुनना ये सब किस के अंदर आ रहा है बेटा साउंड के अंदर ये सारे क्या है कि एग्ज़ाम्पल हैं साउंड के एग्जाम्पल हैं ठीक है कई बार साउंड बहुत अच्छा भी लगता है जब हमारे फेवरेट सॉन्ग हमारा फेवरेट कार्टून चल रहा हो तो वो हमारे लिए बहुत प्लीजेंट होता है और कई बार ऐसे हो जाता है कि पापा जब न्यूज़ देख रहे होते हैं या मम्मी जब अपना डेली सोप देख रही होती तो हमारा दिमाग ख़राब होता है अरे ये क्या है ये हम क्यों देख रहे हैं है ना वो हमको अनप्लीजेंट लगता है सो so स्टूडेंट्स जो एग्जांपल मैंने दिए आपको उसके अलावा भी हमारी डोरबेल भी रिंग करती है हम लोग हॉन्गकिंग करते हैं ना गाड़ी चलाते चलाते पाँप पाँप तो वो जो हॉन्किंग है फिर मोबाइल की जो रिंग टोन है जब हम बोलते हैं जब हम हंसते हैं तो हम सब क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं तो आपको एक ग्लास लेना है एक टम्बलर लेना है और एक कांच का ग्लास लेना है और एक क्या लेना है स्टील का ग्लास लेना है दोनों को आधा पानी से भर देना है, है ना और फिर जेंटली उनके ऊपर आप ऐसे ऐसे प्रेस करो टक टक धीरे धीरे दबाओ स्पून से तो आपको पता चलेगा कि जो ग्लास वाला है मतलब जो कांच वाला ग्लास है उससे अलग आवाज़ आ रही है और जो स्टील वाला ग्लास है मेटल का जो ग्लास है उससे अलग आवाज़ आ रही है है ना दोनों के साउंड में बहुत डिफरेंस होता है ठीक है अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ साउंड ठीक है टाइप्स ऑफ साउंड साउंड के कितने टाइप होते हैं तो बेटा हम लोग डिफरेंट साउंड को प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट साउंड को प्रोड्यूस करते हैं ठीक है जो कुछ साउंड होते हैं वो हमको खुश कर देते हैं हैप्पी कर देते हैं ठीक है और कुछ साउंड जो होते हैं वो हमको इरीटेट भी कर देते हैं कई बार हम आराम से गाड़ी में जा रहे हैं बैठे हैं इंजॉय कर रहे हैं सीनरी को और पीछे से कोई बाइक वाला आया और वो कंटिन्यू हॉन हॉन्गकिंग हॉ हॉ हाँ बजाते जा रहा है बजाते जा रहा है तो आपको कैसा लगेगा इरीटेट हो गए ना आप फिर कई बार हम लोग देखते हैं कि जब हमको सोना होता है या जब हमको पढ़ना होता है और कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से म्यूज़िक चला दे तब भी हमारा दिमाग ख़राब होता है तो कौन सा साउंड आपको इरीटेट करेगा कौन सा साउंड आपको हैप्पी करेगा कि किसके ऊपर डिपेंड करता है सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है अब देखो कोई अगर गिटार बजा रहा है ठीक है तो वो साउंड आपको अच्छा लगेगा पर कभी आप ट्रैफिक में फंस जाओ तो आसपास की जो गाड़ियों की आवाज़ आएगी वो आपको परेशान कर देगी है ना तो जो अनप्लीजेंट साउंड होता है जैसे ये वाला जो साउंड होगा अनप्लीजेंट साउंड ये आपको किसकी तरह लगेगा नॉइज़ की तरह लगेगा और बेटा ये पर्सन टू तो पर्सन वेरी भी करेगा कि किसको कौन सी आवाज़ अच्छी लगती है बच्चों को कार्टून्स की आवाज़ अच्छी लगती है पेरेंट्स को वही आवाज़ अनप्लीजेंट लगती है बच्चों को न्यूज़ नहीं पसंद होती है वो न्यूज़ का साउंड सुनना पसंद करते हैं वैसे ही तो प्लीजेंट अनप्लीजेंट की डेफिनेशन वेरी करेगी पर ये तो सभी को अनप्लीजेंट लगता है पोल्यूशन है ना तो अनप्लीजेंट साउंड को हम क्या बोलते हैं बेटा नॉइज तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि नॉइज क्या है तो आप क्या बोलेंगे अनप्लीजेंट साउंड आर कॉल नॉइज़ सो 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 स्टूडेंट्स everyone gets disturbed डिस्टर्ब loud लाउड आपकी क्लास में भी आप ऐसे करते हैं कि जब आपके टीचर नहीं होता है या थोड़े से टाइम में आना और जाना जब टीचर करता है तो आप लोग क्या करते हैं सब मिलके बातचीत करने लग जाते हो वो साउंड आपको तो कैसे लगता है प्लीज इन पर वहीं पे आपके टीचर्स को आपकी अथॉरिटीज़ को कैसे लगता है अनप्लीज इन क्यों हो रहा है शोर स्कूल में शोर नहीं होना चाहिए है ना तो नॉइज तो सबको डिस्टर्ब कर देता है ना एवरी वन गेट डिस्टर्ब बाय लाउड बाय लाउड नॉइज ओके वी शुड अबोयड ब्लोइंग हॉर्न हमको हॉर्न जब एज एन मैन रिक्वायर्ड देन ओनली वी हॉर्न ओके जब रिक्वायरमेंट हो तभी तो हमको हॉर्न बजाना चाहिए हम बजाते ही जाते हैं कुछ लड़कों को तो जो नए नए बाइक चलाना सीखते हैं उनको तो बहुत शौक होता है हर कभी बजाने लग जाते हैं ना हमको धीरे बोलना चाहिए सॉफ्टली बोलना चाहिए कि हमारी आवाज़ सबको प्लीजेंट लगे ना ही ऐसे बोले सब चुप हो जाओ प्लीज़ कीप क्वाइट मेंटेन साइलेंस ऐसे ना बोले आपको आपकी आवाज़ बिल्कुल स्वीट स्वीट आनी चाहिए धीमी धीमी वी शुड प्ले म्यूजिक टी वी एट लो वॉल्यूम और आप जब भी टी वी देख रहे हैं आप जब कार्टून देख रहे हैं जब आप गाना सुन रहे हैं तो उसकी आवाज़ आप कैसी रखेंगे स्टूडेंट्स लो ओके अब आ जाते हैं हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स क्या है फोर्स तो बेटा जब आप आपका स्कूल बैग उठाते हैं तो आपको कुछ थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ती है लगानी पड़ती है ना हाँ फिर तो जब आप स्कूल बैग को नीचे रखते हैं तो भी आपको थोड़ी सी पावर ताकत लगानी पड़ती है तो बेटा हमको किसी भी काम को करने के लिए और दूसरा काम आपको क्या क्या करते हैं आप लोग छोटे छोटे बच्चे तो कुछ भी नहीं करते हैं हम्म <laughs> यस yes, जब आपको बाइसिकल स्टार्ट करनी होती है तब भी आपको थोड़ा सा वो लगानी पड़ती है ना पावर थोड़ी सी ताकत एक बार पैडल को मारने के लिए है ना तो बेटा जो फोर्स है जो क्या है फोर्स है वो क्या है पुशिंग और पुलिंग ऑफ समथिंग या तो किसी चीज़ को धक्का देना या किसी चीज़ को अपनी साइड खरी खींचना या तो ईधर पुशिंग और पुलिंग जब किसी किसी गेट पे लिखा होता है ना पुश एंड पुल तो हमको पुश और पुल दोनों ही करने में थोड़ा सा वो लगता है ना हमारी पावर लगती है थोड़ी सी ताकत लगती है है ना तो व्हाट इज फोर्स फोर्स क्या है बेटा व्हेन वी पुश और पुल समथिंग वी अप्लाई फोर्स जब भी हम किसी भी चीज़ को थकील रहे हैं या अपनी और खींच रहे हैं तो हम क्या अप्लाई कर रहे हैं फोर्स और ये फोर्स क्यों कर रहे हैं टू डू वर्क दिस पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स तो फोर्स की डेफिनेशन क्या है पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स हेयर इन दिस डाइग्राम यू कैन सी गर्ल ये जो लड़की है ये एक ट्रॉली चला रही है है ना और ये यहाँ से बकेट से पानी निकाल रहे हैं तो दोनों को ही पावर की रिक्वायरमेंट होगी दोनों को ही फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी क्यों होगी फोर्स की रिक्वायरमेंट क्योंकि जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ आपकी पावर लगेगी पुश लगेगा या पुल फोर्स लगेगा है ना अब स्टूडेंट्स जो फोर्स है वो हम सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए आपके लिए क्रिकेटर्स के लिए बैडमिंटन प्लेयर के लिए फोर्स इज इसम्पोर्टेंट फॉर एवरी वन क्यों इम्पोर्टेंट है क्योंकि फोर्स बहुत सारे काम कर सकता है जैसे फोर्स कैन डू मेनी थिंग्स जैसे लाइक 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 फर्स्ट फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट आप इस गाड़ी में थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो ये मूव करके यहाँ तक पहुँच जाएगी है नस और फोर्स कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट फोर्स क्या कर सकता है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक भी सकता है जब आप लोगों ने देखा होगा आप सब क्रिकेट देखते होंगे ना या खेलते भी होंगे तो जब बॉल आपने मारी तो जो आपका जो अपोजिट साइड में होगा वो उस बॉल को रोकने की कोशिश करेगा तो आपने उस चीज़ को मूव कराया आपके अपोजिशन पार्टी ने उसको स्टॉप करा दिया बॉल को रोक दिया हो सकता है फोर जो आपका फोर लगने वाला था या सिक्स लगने वाला था वो रोक जाएगा है ना फोर्स से देखो एक ऑब्जेक्ट को तो रोक सकते हैं इस लड़की ने इस बॉल को रोक लिया है कि लड़का इस गाड़ी को चलाने वाला है ठीक है यस और फ़ोर्स से हम किसी भी चीज़ के शेप को बदल सकते हैं शेप को भी बदल सकते हैं जैसे बच्चे लोग आप तो बहुत ज़्यादा बदलते होंगे जैसे 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 कैसे बदलते होंगे आपके पापा ने एक सुंदर सी कार आपको दिलाई है और आप उसके ऊपर बैठ गए उस गाड़ी का शेप बिल्कुल चेंज हो जाएगा है ना आप जो क्ले क्ले से सामान बनाते हैं ना बहुत सारे हम लोग मटेरियल बनाते हैं क्ले से प्लेइंग जो क्ले आती है उससे आप थोड़ा सा फोर्स लगा लगा के डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट बना सकते हैं ना हाँ बना सकते हैं ओके okay? तो फोर्स मूव करा सकता है फ़ोर्स स्टॉप करा सकता है और शेप को चेंज कर सकता है ठीक है सो आई होप एवरी थिंग इज़ वेरी क्लियर इफ नॉट डू राइट इन कॉमेंट सेक्शन वॉट इज़ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट गिवर्स लाइट non luminous object do not give us light okay if you have any doubt write it in comment section